नमस्कार दोस्तों, मैं एक नई पेंटिंग बना रही हूँ। इस पेंटिंग में स्टोन्स दिखाया गया है इस तरह से। स्टोन्स को 3D लुक देने के लिए मैंने क्या किया है कि इसके हाफ आप पार्ट को डिवाइड कर लिया है। हाफ आप मतलब ये इस तरह से ये जो डिज़ाइन बनी हुई है इस तरह की बनी हुई है। इस डिज़ाइन में इधर के 1, 2 और ये 3 साइड्स को मैंने ब्लैक कलर से कर दिया है और 1, 2 और 3 ये 3 साइड्स को थोड़ी सी लाइट कलर से कर दिया गया है। इसी तरह देखिए, ये सारी डिज़ाइंस में इसी तरह दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह कर देने से और फिर बीच में यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वाइट कलर का यूज़ किया है ऊपर, तो ये देखने में 3D लुक आने लगता है स्टोन्स का। पूरी डिज़ाइन को इसी तरह किया गया है। यहाँ पर मैंने वाइट का या कोई भी हल्के कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मैंने ब्लैक और वाइट का यूज़ किया है और थोड़ा सा यहाँ पे ग्रीन कलर का यूज़ किया हुआ है। तो स्टोन्स बनाना हो, 3D लुक देना हो तो इस तरह से किया जा सकता है। पेंटिंग में यहाँ पे ये खपैल का डिज़ाइन बनाया गया है। पुराने ज़माने में इस तरह के कच्चे मकान हुआ करते थे, तो जिनकी छतें खपैल की बनी हुई होती थी। तो ये दिखाने के लिए ये देखिए, मैंने बराबर इक्वल लाइन पहले खींच लिया है और इक्वल लाइन खींच के ब्राउन कलर से कलर करके और ब्लैक से शेडिंग दिया है। शेडिंग इस तरह से रहेगी कि इस साइड से और इस साइड से दोनों किनारे से शेडिंग देंगे, लेकिन बीच का पोर्शन बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। तो ये दोनों तरफ से शेडिंग देते हुए मैंने पूरा यहाँ तक कर लिया है और बीच का पोर्शन छोड़ दिया है। बीच के पोर्शन में वाइट कलर का यूज़ किया गया है। वाइट कलर लगाएंगे तो जिससे कि ये डिज़ाइन उभरी बिल्कुल खपरेल जैसी दिखाई पड़ेगी, उभरा ये डिज़ाइन का लुक आ जाएगा। इस पेंटिंग में अभी कुछ चीज़ें बाकी हैं, जैसे यहाँ पे ये लालटेन बनाना है, तो लालटेन बना दिया जाएगा और ये ट्री को कंप्लीट करना है। तो चलिए यहाँ पे लालटेन बनाते हैं। यहाँ पे लालटेन बनाना है, तो लालटेन बनाने के लिए ब्रश में थोड़ा सा ब्लैक पेंट लगा लेंगे और इसको थोड़ा सा बोर्ड टेढ़ा करके फिर बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बनेगा, आसानी से भी बन जाएगा इस तरह से। पहले के ज़माने में बिजली तो होती नहीं थी, तो इस तरह से लालटेन का यूज़ किया जाता था। तो उसको इसमें दिखाना है, इस पेंटिंग में लालटेन दिखाना है। अपनी सुविधा के अनुसार आप इसको पेंसिल से भी खींच के किया जा सकता है। आप इसको पेंसिल से खींच सकती हैं और पेंसिल से खींच के फिर बनाएं तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि पेंट से अगर बनाएंगी और ख़राब हो जाएगा तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर पेंट को छुड़ाने के लिए। तो इसलिए पेंसिल से खींच के करें। इधर का भी ऐसे कर देंगे। और इसको इस तरह इतना करते हुए यहाँ पे कांच पे इस तरह का निशान बनाया जाता है। लालटेन पे इस तरह की तार बने थे जिससे कि जो इसमें बीच में कांच लगा था वो होल्ड होता है। और इस तरह से ये लालटेन हमने बना लिया है। अब ये प्लेन दीवार है, इसको थोड़ा सा दीवार वाला लुक लाने के लिए, ये दीवार का लुक लाने के लिए हमने ईंटों को दिखाया है। यहाँ पे ब्लैक कलर से हमने ईंट बना लिया है और ब्राउन कलर इसमें भर देते हैं। फिर ये साइड में ब्लैक कलर लगा देंगे जिससे कि देखने में ये बिल्कुल दीवार का लुक आ जाए। इधर भी हमने कर दिया है। दोस्तों ये पेंटिंग कम्प्लीट हो गई है। आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अपने कमेंट्स हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। थैंक यू।